हेलो, कैसे हो सब लोग? और आज का व्लॉग मैं लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। खाना वगैरह जो बनाया था उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। आज सिर्फ चावल बनाए हुए हैं और आज है मंडे। और व्लॉग में आज इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह मन भी कर रहा था कि मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, ये व्लॉग में बना देती हूँ, काम कर लेती हूँ ये कुछ। पता नहीं क्या अजीब सा मन है कि कभी तो मन करता है करने का और कभी नहीं। और मेरे यहाँ पे भी लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर से चल रहा है। और देखो कि आप काम देखो, मेरे कपड़े ये पड़े हुए हैं। मैं सोच रही हूँ इनको लगाने की सुबह से, कि मैं ये वाला काम खत्म कर देती हूँ, अलमीरा में लगा देती हूँ। उठती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर नहीं मन करता, कभी लेट जाती हूँ। तो मैं बर्डन बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ अभी बॉडी पे, क्योंकि मुझे एनर्जी नहीं खत्म करनी है। और देखो मैं दवाई फिर मैं भूल गई, मेरी डांट पड़ती है। सुबह की जो दवाई लेनी थी वो मैं अभी ले रही हूँ। वैसे एक घंटे के गैप से मैं दोबारा ले सकती हूँ, लेकिन ये सुबह शाम दो टाइम लेनी है, फिर मैं भूल जाती हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है इस मामले में। एक मिनट, इस बॉटल को मैं मुंह इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि ये प्रॉपर मेरी ही बॉटल है, इसको कोई और नहीं छूता है, सिर्फ मेरी है ये। शुरू से तन्नू की भी अलग बनाई हुई है। इस ग्लास से पीना है ग्लास से पियो, आपकी मर्जी, लेकिन बॉटल स्पेशल मेरी है। क्योंकि ना अगर मैं बाबा ग्लास वहां से लेके आती हूँ फिर पानी लेती हूँ, तो और ठंडा पानी मैं पी नहीं रही हूँ, तो तन्नू और ये जब भी देखते बॉटल खाली तुरंत भर देते हैं, यहाँ रख देते हैं कि सामने रहेगी तो ये पानी पी लेगी। और मैं पूछना भूल गई, कैसे हो सब लोग? व्लॉग और एक चीज और दिखानी थी मुझे, तन्नु की मम्मी आई थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि बैग लेके आई है वो, तो ये बैग लेकर के आई है दीदी, ये लेकर के आई थी। खैर अब तो वो चली गई हैं, तो ये तन्नु के लिए बैग लेके आई थी। और उनका एक छोटा सा बचपना भी मैं दिखाऊंगी इसमें, तो खैर अभी मेरा ही सामान रखा हुआ है ये। ये मेरी फाइल है डॉक्टर की, दो फाइलें बनी हुई हैं अलग है। ये हम परसों गए थे तो मैं ले गई थी। मेरे को पसीना पसीना लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि फैन ही चल रहा है अभी, वो भी मैंने कम पे किया हुआ है, क्योंकि ब्लॉग बनाते हुए बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं। इसमें दो पॉकेट हैं, ये दीदी तन्नु के लिए लेकर के आई थी। और बचपने वाली बात बताऊँ, तन्नु के लिए वाटर बॉटल लेकर के आई वो, मतलब बच्चों की तरह करती हैं एकदम ट्रीटमेंट करती थी। अब तो ये स्कूल भी नहीं जाएगी, अब कॉलेज जाएगी, तो बोले कोई बात नहीं, तो बोलती है कोई बात नहीं घर में यूज कर लेगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और इसके साथ में देखो लंच बॉक्स बच्चों वाला तन्नु के लिए, मतलब बहुत बहुत ही प्यार से ये सब लेकर के आई थी ये देखो। तो मैंने कहा ठीक है आप छोड़ दो, कोई नहीं। तन्नु ने बोला कोई बात नहीं मम्मी, आप रहने दो, मैं घर में निकालूंगी, मैं दुकान पर लंच ले जाऊंगी वो ये बोल रही थी। और इसके अलावा ये दोनों चीज़ें, और पता है आज मेरी डांट ना अच्छे से पड़ने वाली है, अच्छे वाली डांट पड़ने वाली है। मेरे अनार, मैंने आज अनार नहीं खाया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पता नहीं मुझे क्या दिक्कत लगती है अनार छीलने में, और अभी मेरे को छील के खाना पड़ेगा। ये 8 बज चुके हैं, खाना मैं खा चुकी हूँ इस टाइम तक, तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं अनार अगर खा लूँगी तो ठीक रहेगा, तो मैं छील करके अभी इसे दुकान पर ले जाऊँगी। और वैसे मंडे मार्केट लगी हुई है तो तन्नु वहीं पर ही है, तन्नु भी और ये भी दोनों। तो अभी नोनी को लेकर के जाना है, तो नोनी यहीं पर है, नोनी को लेकर के जाना है। नोनी इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, इधर आओ। नोनी वेट कर रही है, एक्चुअली ये 5-6 बजे दुकान पे जाती है ना, और ये अभी तक दुकान पे नहीं गई है, और कुछ कूलर वगैरह बंद है तो इसे गर्मी भी लग रही है। इधर आओ, आओ इधर आओ छोनू। और आज ये नहाई भी है ना, तो नहाने के बाद आज ये दिन में नहीं सोई है, अभी से सुस्ती आई हुई है, लेकिन ये ना वेट कर रही है कि कब दुकान पे लेके जाएंगे, कब दुकान पे लेके जाएंगे, ये इसका टाइम होता है दुकान पे जाने का। तो अभी मैं इसको फिलहाल दुकान पर लेकर के जाऊंगी, देख रही है वो बड़े ध्यान से छोड़ो इधर देखो, आज ये ना नहाया है, देखो छो ना दिखाओ, देखो आज इसके बाल कैसे बिखरे हुए हैं, कंघी भी कर दी है, लेकिन बाल में ना मैं हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ इसको, नारियल का तेल, आज वो लगाया नहीं है मैंने, नो नारियल का तेल मैं लगा देती हूँ। देखो हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो बोल दिया उसने। वैसे वैसे दुकान जाने की लग रही है, अभी बोल रही है कि चलो बस दुकान चलो, तुम कैसे भी करके दुकान चलो। तो अभी बस दुकान जाना है और बालों को मैं कंघी कर लूंगी। पता है मेरे को बाल खोलने में इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, बस पूछो मत। ये तो शर्ट धुला हुआ था तो मैंने अभी जस्ट ऐसे ही बांधे हुए थे, और मेरा ये हाथ भी अब ठीक हो गया है, बहुत हद तक ठीक हो गया है। खुजली इसमें रेगुलर चल रही है। तो चलो पहले मैं दुकान चलती हूँ, फिर वहां पे आपसे बात करूंगी। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं अनार भी छील करके ही ले जाती हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रे ले लिया, इसलिए मैं इसको छील करके ले जाऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज मेरी डांट पड़ जानी है अच्छे से। मेरे को अनार छीलने ना ढंग से नहीं आते। अनार छीलने में ना बहुत आफत लगती है, और खाने में भी, लेकिन खाना पड़ रहा है, मुझे मिल रहा है एटलीस्ट, यही मेरे लिए बहुत है। तो मैंने अनार अभी छील के रेडी कर लिया है, दुकान पे जाऊंगी 15 से 20 मिनट, देखती हूँ वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं। सुबह से बाहर नहीं निकली हूँ और 8 हो गए हैं, तो वहां जाकर के थोड़ी देर बैठूंगी, वीडियो अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और ये थैले आज ये लेके जाने होते हैं, क्योंकि सब्जी लेनी होती है, तो ये सारे थैले मैं लेकर के जाऊंगी वहां पर, है ना शनो। उन्होंने वेट कर रही है कि कब मम्मा जाएंगी। हाँ वो वेट करने में लगी हुई है अभी, और बस यही सब मुझे आज लेके जाना है। और गुड़ मैं नहीं खा पा रही, गुड़ भी यहीं पे रखा हुआ है और मैं खा भी नहीं पा रही। चने तो मैंने दिन में खा भी लिए थे, तो चलो फिर मिलते हैं दुकान पे, है ना, चलते हैं। अब बताओ, मेरी तरफ से भी दिनेश अग्रवाल की तरफ से हेलो, और कोमल अग्रवाल की तरफ से हाय, कैसे हो आप लोग। और ना देखो आप लोग बोलो ना, ये भैया का कहना माना करो, इनको दवाई लाए हुए ना 1 महीना हुआ है, 1 हफ्ते की दवाई में 1 महीना हुआ है, और आज मैं जबरदस्ती दवाई लेके आई हूँ, जबरदस्ती। ये इनकी जब इनको आराम है सारी चीजों में, तो दवाई लेनी चाहिए ना। उनको सर दर्द हो रहा है अभी, उनको ना थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, छत दर्द नहीं हो रहा। अरे तो तुम बात बात करो ना, मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ। अच्छा दोबारा इसका मतलब पूछते हैं। क्या बोलो तो सही, बस इसका मतलब बताना। कुछ कोई मैं ये बताएंगे नहीं क्या मतलब पूछ रहे हैं, अब इसका मतलब बताओ बस। आप लोगों को इसका मतलब बताना है जो टी शर्ट पे है, ये लिखा है बसंती ट्रेजेडी, और ऊपर एक गन लेके खड़ा हुआ है, एक लड़की है, और वो एक ही गन लेके खड़ा हुआ है, आदमी है, लड़की है, और ये चारों तरफ कुत्ते हैं, और ये नीचे लिखा है बसंती ट्रेजेडी, ट्रेजेडी है, हाँ ठीक है, इसका मतलब बताना। और ये देखो ये लिए कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये दवाई, और इनकी पथरी की, पैरों की सारी दवाइयाँ इसमें हैं।
तो अभी आज वैसे भी मंडे है और मेरे को सब्जी लेने जाना है, तो सब्जी मैं लेकर के अभी आई नहीं हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, बस यहीं से थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करूंगी, क्योंकि घर पे सब्जी रखी हुई है और बाहर से आ रही है बहुत सारी आवाजें, है ना। थक गया अब बोलते बोलते तो। और मैं हम लोगों ने ना होम्योपैथिक टूथपेस्ट यूज किया था, वो अच्छा था। अभी मैं दूसरा ये चेंज करके लाई हूँ, ये बोल रही है ये भी अच्छा है, तो मैंने कहा क्यों ना यूज किया जाए। देखते हैं, आपको सब्जियों की ज्यादा आवाज आ रही होगी, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या क्या सब्जी लाए हो आप? मैं सब्जी क्या क्या लाया हूँ? दो आम, ये तरबूज लिया है 2 किलो, 2.5 किलो, ये 1.5 किलो खीरा लिए हैं, ये आधा किलो शिमला मिर्च ली है, ये एक पाया अरबी ली है, और ये 1/2 kg लेडी फिंगर। हाँ। और आप राजमा को क्या बोलते हो? राजमा को तो हम वो बोलते हैं ना, किंग मोम। अरे ये पता है, मैसेज करके बोल रहे किंग मोम बना ले। ये किंग मोम होता क्या है समझ ही नहीं आता। सुनो, हाँ और एक बात और, किंग मोम में फास्ट लीफ जरूर डालना। अब फास्ट लीफ क्या है? फास्ट लीफ है क्या दनु? बताओ ना जल्दी बताओ। किंग मोम क्या है पहले तो बताओ ना। तन्नू बताएगी। तन्नू राजमा, उसको हंसी आ रही है, पता है। इधर बताइए आप। चिंता मत करिए, वीडियो तेरे लड़का और लड़के वालों को नहीं दिखाएंगे, चिंता मत कर। हम तेरे लड़के वालों को, तेरे लड़के वालों को मतलब लड़के वालों को नहीं दिखाएंगे, जाओ लड़की पसंद करना, वो तो डायरेक्ट मिलवाएंगे हम तेरे से। अरे बाबू बताओ तो सही, उनको छोड़ दो अभी। किंग मोम के बाद आगे क्या है? वो फास्ट लीफ लीफ वो क्या बोलते तेज पत्ता। हाँ, तेज पत्ता। और किंग मोम राजमा, ये दोनों इतने मानने, ये और ये हमारी बेटी, ये दोनों के दोनों। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं खुद ही बोले थे मैं किंग मोम खाना और उसके साथ वो फास्ट लीफ खानी है। तो मैसेज किसने किया था मेरे को? व्हाट्सएप में मैसेज किया इसने, और आइडिया था इनका कि बोलो मौसी से ना कि किंग मोम बनाएंगी। ये क्या करने लग रहे थे वीडियो में? फटाफट कह रही ये मत डालना वीडियो में, काम है भाई, काम है ये तो। चलो अब बाय कर दो फिर, चलो दोनों बाय कर दे। गुड नाइट, मिलते हैं कल। नोनी गुड नाइट। नोनी तो भाग गया, नोनी को शर्म आ गया। आज मैं नहाया हूँ ना, आज मैं अच्छा लग रहा हूँ इसलिए। तो अब ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं और फिर मिलेंगे कल।